तो हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है, आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरह का न्यू ट्रेंडिंग इंक वाली स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन से। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता रहता है कि भाई काइन मास्टर में भी कोई स्टेटस बताओ। सो फाइनली गाइज, कुछ इसी तरह का स्टेटस वीडियो आज हम बनाने वाले हैं। अपनी फोटो लगाकर या किसी के भी फोटो लगाकर कुछ इसी तरह का स्टेटस आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गाइज, इस एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम पर जाके आप काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। गाइज, टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर मटेरियल डाउनलोड कर लेना, यानी कि टेलीग्राम पर जाकर गाइस काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना, देन इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप कुछ इसी तरह का स्टेटस वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद में क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर 9.16 की रेटियो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और नेक्स्ट की ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी आपको इमेज या बैकग्राउंड की ऑप्शन में आके एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसकी ड्यूरेशन को आपको 30 सेकंड तक इंक्रीज कर देना है। ओके, उसके बाद में वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। देन गाइस ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर फिर से लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइस यहाँ से मैं गैलरी में आ जाता हूँ और गैलरी से गाइस यहाँ से इस लिरिक्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। गाइस, इसे मैंने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में बनाया है और इसी लिरिक्स में गाइस आपको सॉन्ग भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके मैं ऐड कर लेता हूँ। देन यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है गाइस, स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता था पहले, लेकिन अब नीचे गाइस यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देना इस ऑप्शन में क्लिक करके, ठीक है। गाइस, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। देन इधर जो है गाइस, इधर जितने भी कलर दिख रहा है ये सब गाइस इधर म्यूजिक हमारा रहेगा, तो इसको हमें रिमूव करना होगा। सबसे पहले गाइस म्यूजिक को निकाल लेते हैं। इसके लिए करना क्या है, इसी वाले गाइस लिरिक्स पे क्लिक कर देना है। देन नीचे आ जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसकी सॉन्ग आ जाएगा। ओके, अभी गाइस क्या करना है, वीडियो को प्ले कर देना है स्टार्टिंग से। जैसे लिरिक्स खत्म हो जाएगा वैसे गाइस आपको ट्रिम कर देना है इसको, ठीक है। यहाँ से गाइस मैं सिंपली क्या करना, थोड़ा सा और आगे आके देखता हूँ। तो गाइस इधर आ जाएंगे, बैक हो जाऊँगा थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा और यहाँ से गाइस क्लिक कर देना है लिरिक्स वाले इस पर, और इधर गाइस कैंची के निशान पर आ जाना है और ट्रिम टू राइट टॉप प्लेहर करके एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से गाइस कट कर देना है, ठीक है, ट्रिम कर देना है। ओके गाइस, तो इतना काम हमारा हो चुका है। अभी आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पर 3 फोटोज़ को ऐड करना होगा जितना ही आपकी जो सॉन्ग है उसी के बीच में। तो पहले गाइस यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया के ऑप्शन में आ जाऊँगा। देन गाइस यहाँ से मैं गैलरी में आ जाता हूँ। ओके, और गाइस गैलरी से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फोटोज़ को क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। गाइस मैंने पहले इस फोटो को एडिट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और जूम करके गाइस आपको यहाँ पर इसको फुल कर लेना है। देन यहाँ पर बीच में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन को मैं इतना ही तक ही रखता हूँ, बाद में गाइस अगर जरूरत पड़े तो इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा या डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। फिर से गाइस लेयर के ऑप्शन में आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है, और उसके बाद में गाइस फिर से गैलरी में आके सेकंड वाली फोटो को क्लिक करके मैं ऐड कर लेता हूँ। देन इसको भी गाइस कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है ऐसे करके, जूम करके, और यहाँ पे बीच में फिक्स कर देना है। देन इसकी भी ड्यूरेशन को गाइस वहीं तक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर से गाइस लेयर के ऑप्शन में आके फिर से मीडिया का ऑप्शन में आ जाना है। देन एक और फोटो को गाइस यहाँ से क्लिक करके मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से कुछ इस तरह से जूम कर देना है। देन गाइस इसको फुल स्क्रीन करके यहाँ पर बीच में फिक्स कर लेना, इसकी ड्यूरेशन को आपको पूरी एंड तक यहाँ से कर देना है। गाइस, अगर आप भी कुछ इसी तरह का HD क्वालिटी फोटोज को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे मैं सभी फोटोज को शेयर कर देता हूँ। देन गाइस, इस काइन मास्टर के प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और काइन मास्टर में गाइस डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना, ठीक है।
एंड जो प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करोगे उसी को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे क्लिक करोगे। मैं आपको गाइज बता भी दूंगा तो कैसे करना है। तो गाइज अगर आप कमेंट करोगे तो मैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में काइन मास्टर का ही ट्यूटोरियल लाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे गाइज काइन मास्टर के प्रीसेट को इम्पोर्ट करते हैं काइन मास्टर में। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट फाइल एकदम ओपन होकर आ जाएगा, पूरा फुल स्टेटस उसमें मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पर फोटो को डिलीट कर देना है इस वाले को, और अपनी फोटो या जिस भी फोटो को गाइज आप ऐड करना चाहते हो ऐड करके गाइज सिंपल आप एक्सपोर्ट कर लेना, वीडियो आपकी बन जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल मैं गाइस यहां पर आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यहां पर क्या करना था कि तीन फोटोज तो हमने गाइस पहले ऐड कर लिया है, पूरी अच्छे तरह से हो चुका है। अभी आपको यहाँ आ जाना है जहाँ से आपके फोटोज़ प्ले होगा, और लेयर पर क्लिक करके गाइज यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद में गाइज अब आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन टैम्पलेट को यहाँ से क्लिक करके ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ से ग्रीन स्क्रीन टैम्पलेट को ऐड करके फुल स्क्रीन कर देना, ऐसे करके जूम कर सकते हो, या यहाँ पर गाइज स्प्लिट स्क्रीन पर यहाँ पर क्लिक करके फुल कर सकते हो। देन इसी पर क्लिक करके इसकी म्यूजिक को गाइज यहाँ से म्यूट कर देना है। देन गाइज इसी टैम्पलेट पर क्लिक करना है ग्रीन स्क्रीन पर, और यहाँ पर गाइस थोड़ी सी आगे आ जाएंगे पहले। ओके, और यहाँ पर देखो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको क्रोमा की का। ओके सॉरी गाइस यहाँ बैक हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की का, देख सकते हो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में यहाँ पर जो की कलर है इसको आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। देन यहाँ पे 50 जो दिख रहा है ना गाइज इसको थोड़ा सा आपको इंक्रीज करके 65 या 70 के अप्रॉक्स आपको कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मैं 65 कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखो अपने हिसाब से करना है, जितना ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाए उतना ही गाइज इसको बढ़ाना है। देखो मैं 67 कर दिया हूँ, यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन अच्छे से यहाँ से देखो रिमूव हो चुका है कुछ इस तरह से, देखो गाइज यहाँ पे। तो गाइज कुछ इसी तरह से आपको ग्रीन स्किन को रिमूव करना है, हल्का फुल्का और दिख रहा है तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूं और फिर से इसे क्रोमा की के ऑप्शन में आ जाता हूं, और मैं इसको गाइस 70 के अप्रोक्स कर दूंगा क्योंकि गाइस यहां पर थोड़ी सी मेरे को ग्रीन स्किन दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे 72 मैं कर देता हूँ, ठीक है, या 71 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। देन इसको गाइज प्ले कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आ जाना जहाँ तक आपकी फोटोज़ है, और इसके बाद में इधर की जो एक्स्ट्रा पार्ट है ग्रीन स्किन के मैं कैचिंग निशान पे आके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर करके इधर से ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, फिर से इसे ग्रीन स्किन पर क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा मैं और इंक्रीज कर देता हूँ हल्का सा, और यहाँ पर गाइज आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है इस साइड में, और यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना है इसकी एक और। ओके, और यहाँ पर टैप करके रखना है, क्लिक करके रखना है, फिर से गाइज यहां तक ले आना है जब आपकी सेकंड फोटो प्ले होगा, फिर से गाइज यहां तक इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहां से देखो गाइज एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूं कि कहां तक यह है। अभी देखो गाइज इसको मैं यहां तक इसको कर देता हूं, ठीक है, इसको खींच के इस तरफ तक मैं कर देता हूं। ठीक है, अब देखो गाइज फर्स्ट फोटो तो हमारा गाइज यहां से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। तो यहां पर पहले लिरिक्स का भी अभी कुछ काम बाकी रह गया, तो अभी हम इसको करेंगे। पहले फोटोज पर कुछ इस तरह से आपकी जो देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन इंक वाली जो टैंपलेट इसको लगा लेना है। देन उसके बाद में सेकंड वाले इंक वाले टैम्पलेट को भी लगा लेना है। ठीक है, फिर इस पर भी क्लिक कर देना है, और 3 डॉट पे आके डुप्लीकेट इसकी भी एक कर लेना है, और यहाँ पर गाइज आ जाना जहाँ तक ये एंड हो जाएगा वहाँ तक आपको आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद में गाइज इसको भी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ, और एक टैम्पलेट को गाइज क्लिक कर लेना है। देन इसको गाइज यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है, थर्ड वाले को भी टैम्पलेट को यहाँ तक कर देंगे। अब जैसे वीडियो को प्ले करोगे देखो गाइज यहाँ पर आपकी थर्ड वाली जो टैम्पलेट यानी कि फोटोज है वो भी गाइज अच्छे से यहाँ पर प्ले होने लग जाएगा। सो आई होप गाइज आपको कुछ इसी तरह से यहाँ से कर लेना है। ओके, अब आपको करना क्या है, फिर से लेयर पे आके गाइज मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइज यहाँ से क्या करते हैं अपनी गैलरी में आ जाते हैं। ओके, और गैलरी से गाइज यहाँ से फायर इफेक्ट टैम्पलेट को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ये फायर इफेक्ट टैम्पलेट है गाइज, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं, देन यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसके वैल्यूम को पहले यहाँ से मैं म्यूट कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको वही स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में आ जाना है, और फुल के ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। देखो गाइज कुछ इस तरह से फायर टैम्पलेट है। अब ये आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करके यहां पर गाइज आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ठीक है, और इसी फायर इफेक्ट टैम्पलेट पे क्लिक करके यहां पर एडजस्टमेंट के ऑप्शन में आके थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। देन गाइज यहां पर इस लिरिक्स पर क्लिक करके इसके पूरी एंड में आ जाना है जहाँ तक ये फायर इफेक्ट टैम्पलेट है, यहाँ पे लिरिक्स है वहाँ तक रहने देना, बाकी कैचे के निशान पे आके ट्रिम टू राइट टॉप प्लेयर करके एक्स्ट्रा फायर इफेक्ट टैम्पलेट को डिलीट कर देना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आज वीडियो प्ले करोगे तो कुछ इस तरह से फायर इफेक्ट टैम्पलेट दिख जाएगा, और इसको गाइज थोड़ा सा हम इधर और भी थोड़ा हम इसको फोटो को इधर कर लेते हैं इंक वाली को, और एंड में गाइज इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि गाइज यहाँ पर इधर थोड़ा हमारा फोटो दिख रहा था। अब गाइज प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से अच्छे से परफेक्ट से हो चुका है गाइज। ओके, अभी आपको फिर से क्या करना, जहाँ से फोटो स्टार्ट
होगा वहीं पे आ जाना है। देन यहाँ पर गाइज लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइज एक ओवरले टैम्पलेट को हम क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। गाइज ये ओवरले टैम्पलेट बहुत ही शानदार और बहुत ही गाइज अच्छा ये ओवरले टैम्पलेट, तो सिंपली मैं गाइज इसको क्लिक कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको गाइज सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन में आके फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसकी वॉल्यूम को गाइज यहाँ से क्लिक करके म्यूट कर देता हूँ। देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से ओवरले टैम्पलेट है जो बहुत कमाल की दिख रही है। अब इसी ओवरले टैम्पलेट पर क्लिक कर देना है। देन आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आके और यहाँ स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है। फिर एडजस्टमेंट के ऑप्शन में आके सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है और यहाँ से गाइज डन कर देना है। सो फाइनली गाइज हमारा स्टेटस बन चुका है। अब यहां पे एक बॉर्डर पीएनजी को पहले मैं ऐड कर लेता हूं। तो उसके लिए क्या करना है गाइज, पहले यहां पर देखिए ये थोड़ा सा ओवरले टेम्पलेट भी छोटा हो रहा है, तो इसको क्लिक करके थ्री डॉट पे आके यहां पे एक डुप्लीकेट और कर लेना है और इसी पे टैप करके आपको थोड़ा ये वीडियो की पूरी एंड तक ले आके छोड़ देना है। और इधर से गाइज फिर से क्लिक कर लेना है इसी ओवरले टेम्पलेट पे जो बच जाएगा। और यहां पे गाइज कैसे के निशान पे आके इस बार आपको ट्रिम टू लेफ्ट की तरफ कट करना है, क्योंकि गाइज लेफ्ट की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी, तो इधर कर लेंगे। ओके, सो फाइनली गाइज यहां पर हो चुका है। फिर से लेयर पे आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है। देन गाइज यहां से गैलरी में मैं आ जाता हूं, ठीक है, और गैलरी से गाइज यहां से एक बॉर्डर पीएनजी को क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। ओके, तो गाइज इस बॉर्डर पीएनजी को मैं क्लिक कर लेता हूं, देन ऐड कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर देना है यहां पे। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन को पूरी आपको एंड तक कर देना है और डन कर देना है। अब गाइज एक्स्ट्रा पार्ट जो भी यहां से क्लिक करके कांचे के निशान पर आके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर करके सभी को गाइज यहां से यहां पर देखो यहां तक और डिलीट कर देना। देखो गाइज सभी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहां से कट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, सो फाइनली गाइस यहां पर हमारा वीडियो बन चुका है। पहले मैं यहां से म्यूजिक को म्यूट कर देता हूं ताकि गाइस जो मेरी वॉइस आपको सुनाई दे वो कॉपीराइट से बच रहे। ओके, अब देखो कुछ इस तरह से लिरिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। देन गाइस इधर जो है आपके टेम्पलेट स्टेटस वीडियो फोटो सभी गाइस यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जितना भी मटेरियल मैंने यूज किया है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एचडी फोटोज को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा सभी का, यानी कि टेलीग्राम पे सभी फोटोज मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इस वीडियो को गाइस गैलरी में सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है, देन फुल एचडी में इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है। गाइस इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपनी फाइल मैनेजर में जाना और वहां पर प्रीसेट मिल जाएगा, उस पर थोड़ा देर क्लिक करके रखना। फिर एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे तो एक काइन मास्टर में रीडायरेक्ट कर देगा और फोल्डर बन के आ जाएगा और आपके प्रोजेक्ट जो है गाइस ओपन हो जाएगा। ओके, तो गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।